आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। तुलावटी एवं व्यापारियों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए बुलाई बैठक रही बेनतीजा। विधायक ने दोनों पक्षों से की अलग अलग चर्चा। व्यापारी विभाग के पत्र का दे रहे हवाला। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों व तुलावटियों के बीच तुलाई को लेकर चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए बैठक बुलाई गई। करीब दो घंटे चली बैठक में सामंजस्य नहीं बैठ पाने के कारण बेनतीजा रही। विधायक सचिन बिरला ने व्यापारियों व तुलावटियों के साथ अलग अलग बैठक की और सहमति बनाने के प्रयास किए। उल्लेखनीय है कि मंडी के बाहर से टोल कांटों पर तुलावटियों को 2 रुपए प्रति क्विंटल पारिश्रमिक को लेकर व्यापारियों और तुलावटियों में लंबे समय से मतभेद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए लगभग 2 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में अनाज व्यापारियों और तुलावटियों में सहमति नहीं बन सकी और बैठक बेनतीजा रही। विधायक सचिन बिरला ने दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने के लिए बहुतेरे प्रयास किए, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने निर्णय पर अडिग रहे। बैठक में तहसीलदार शिवराम कनासे और मंडी सचिव HS जमरे ने भी दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाने के प्रयास किए, लेकिन बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बैठक के अंत में विधायक ने कहा कि मंडी से बाहर के टोल कांटों पर मंडी के तुलावटियों को व्यापारियों से 2 रुपए प्रति क्विंटल पारिश्रमिक दिलाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा और जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय का सभी पक्ष पालन करेंगे। मंडी तुलावटी संघ के अध्यक्ष मुकेश पाटके ने बताया कि खरगोन जिले की 3 मंडियों खरगोन, भिकनगांव और बड़वाह में तुलावटियों को मंडी से बाहर और अंदर के टोल कांटों पर तुलाई करने पर 2 रुपए प्रति क्विंटल पारिश्रमिक दिया जा रहा है, लेकिन सनावत मंडी के तुलावटियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और सनावत के व्यापारियों द्वारा 2 रुपए प्रति क्विंटल तुलाई नहीं दी जा रही है। इस कारण तुलावटियों के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। उधर व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जैन ने कहा कि व्यापारियों को शासन का वह लिखित आदेश बताया जाए जिसमें कहा गया हो कि तुलावटियों को 2 रुपए प्रति क्विंटल तुलाई देना अनिवार्य हो। इस प्रकार दोनों पक्ष अपने अपने निर्णय पर अडिग रहे। अंततः विधायक ने तहसीलदार और मंडी सचिव से इस संबंध में मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में व्यापारियों व किसानों ने विधायक से मांग की कि मंडी प्रांगण में सुव्यवस्थित कैंटीन खुलवाई जाए, पेयजल की व्यवस्था की जाए और मंडी परिसर में आवारा पशुओं का प्रवेश रोका जाए। विधायक ने मंडी के अधिकारियों को कैंटीन खुलवाने व पेयजल हेतु रंजन रखने की व्यवस्था करने और मंडी परिसर में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के निर्देश दिए। बैठक में व्यापारी संघ के सचिव अनिल मालाकार, व्यापारी कल्याण मल परवाल, ताराचंद चाचरिया, नीरज माहेश्वरी, तुलावटी संघ के हरनाम सिंह सोलंकी, काशीराम वर्मा, अशोक वर्मा, राजेंद्र सिंह कदम, सेवक राम वर्मा, राधेश्याम चाचरिया, भगवान पटेल आदि उपस्थित थे। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। इस संबंध में काफी समय से यहाँ पे विवाद चल रहा था, मैं अभी आया हूँ, मतलब मैंने संज्ञान में लिया है और उसको मतलब मैंने वो करा है। तो चूंकि मंडी का अंदर जो टोल कांटा है वो तो मंडी कर्मचारी ऑपरेट कर रहे हैं और जो बाहर है टोल कांटे वहाँ जिनिंग फैक्ट्री में इनको पारिश्रमिक मिल रहा है, बाकी कुछ मतलब 2-4 कांटे हैं उसमें मतलब नहीं मिल रहा, तो उसी संबंध में चर्चा की गई है। ये निजी क्षेत्र ये हुए हैं क्योंकि अभी मतलब MD साहब ने सर्कुलर निकाला कि जो बड़े टोल कांटे हैं उसमें मतलब टोल कांटे की जो पर्ची है वही मान्य की जाए, इसके लिए मतलब उसको बंद किया गया। दूसरा सर, इसमें शासन द्वारा ये तय किया गया है कि किसान को मतलब मंडी और मतलब उसमें भीड़ भाड़ रहती है तो परेशानी नहीं होना पड़े, इसके लिए शासन ने मतलब वो ऑनलाइन सौदा पत्रक वो करा है। अगर उनकी आपसी बातचीत में सौदा तय होता है और रेट तय हो जाते हैं तो उसका ऑनलाइन सौदा जारी होता है जो किसानों को भी मिलता है उसके मोबाइल पे और व्यापारी के पास भी रहता है। ये है कि जैसे ऑनलाइन जो सौदा जारी होता है उसमें मतलब हमारे मतलब मंडी के पोर्टल पे भी आ जाता है कि आज कितने सौदे जारी हुए हैं ऑनलाइन ही पोर्टल पे। तो विवाद अगर होता है तो चूंकि मतलब विवाद का इसलिए कारण है कि भाई आपसी सहमति से उनका सौदा तय होता है, इसलिए उसमें विवाद की स्थिति नहीं बनती। पिछले कई दिनों से तुलावटियों की मांग थी कि हमें कांटों के ऊपर तुलाई का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोगों के घर में रोजी रोटी का संकट आ गया है। उसी के तारतम्य आज हम लोगों ने तहसीलदार साहब, मैं हूँ, मंडी सचिव जी, हम सब लोगों ने और व्यापारियों के साथ और तुलावटियों के साथ अलग अलग बैठक की। तुलावटियों का यही कहना है कि मंडी परिसर में तो हम लोगों को तुलाई चाहिए, यह भी चाहिए बड़े कांटों की, और बाहर जो कांटे लगे उन पे भी हमारा व्यवसाय समझ लो हमारी मजदूरी जा रही है, हमको वहाँ का पैसा भी चाहिए। लेकिन जब हमने नियमों को हवाला दिया और बात की तो ये निर्णय हुआ है, व्यापारियों से भी बात की हम लोगों ने, तो निर्णय लेने के पक्ष में तो हमें भी कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नियम की बात करते हैं तो मंडी परिसर में जो बड़े टोल कांटे लगे हैं वहाँ पर
ना तो किसान को पैसा लगना है ना व्यापारी को लगना है, सरकार का नियम है। दूसरा जो बाहर काटे हैं उनमें थोड़ी विसंगति है, विसंगति यही है कि हमारे मंडी सचिव जी का बोलना है कि बाहर जो काटे हैं उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जो टोल काटे लगे फैक्ट्रियों में भी लगे बाहर भी लगे, तो उसके विषय पर हम लोग आज लिखित में ऊपर देंगे कि उन पर हमारा नियंत्रण कैसे रह सके, किस तरह से हम लोग बाहर भी जो काटे लगे हुए हैं फैक्ट्रियों में लगे हैं उन सब पर, फैक्ट्रियों पर भी और काटों पर भी मंडी परिसर का किस तरह से नियंत्रण हो, टैक्स बराबर आए और किसान को उचित मूल्य अपनी फसल का मिले, यह हम सब लोग चाहते हैं। सर ये तुलाव बिल्कुल सही बोला आपने, अभी तो सरकार के नियम है कि सरकारी जो भी मंडी परिसर के अंदर टोल काटे लगे हैं जो मंडी के नियंत्रण में है, जहाँ पर मंडी के कर्मचारी जाकर टोल करवाते हैं वहां पर तुलावटी का कोई रोल नहीं है, ये नियम है सरकार के। लेकिन जो बाहर टोल काटे हैं उनकी भी एक बात सामने आई है, उसमें हम लोग आज लिख कर देंगे ऊपर और उस पर निर्णय होगा।